हेलो स्टूडेंट, आज बच्चों हम क्वेश्चन करेंगे जी मेन 2023 का। और क्वेश्चन आपका 11 अप्रैल इवनिंग सेशन का क्वेश्चन आपका ये, इसमें क्या रखा है आपको, इक्वेशन रखी है ई रेस पावर 8x माइनस ई रेस पावर 6x माइनस 3 इंटू ई रेस पावर 4x माइनस ई पावर 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तब हमने क्या निकाल दें, इसके नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन, नंबर ऑफ सोल्यूशन निकाल दिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टाइप की इक्वेशन आपकी, इसको क्या करना है, हमने डिवाइड थ्रू आउट किसके साथ, ई पावर किसके साथ डिवाइड करना है, 4x के साथ। तो चलिए देखते हैं क्या बनेगा इसका। ई पावर कितना 8x, ई रेस्ट पावर कितना है 8x, हर एक टर्म को डिवाइड करना है। तो आपके पास बना ई रेस्ट पावर 4x और माइनस ई पावर 6x अपॉन में कितना ई पावर 4x और माइनस 3 इंटू ई पावर 4x अपॉन ई पावर कितना है 4x और माइनस e रेस्ट पावर 2x अपॉन कितना e पावर 4x और प्लस 1 अपॉन कितना है e पावर 4x इक्वल कितना 0। अच्छा चलिए कैंसिल करते हैं, जो कैंसिल होता है इसको कैंसिल करिए, ये बन जाएगा e पावर 4x और यहाँ पे बनेगा e पावर कितना 2x और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, कितना बना 3 और यहाँ पे आपके पास बनेगा 1 अपॉन कितना है e पावर 2x और ये बन जाएगा 1 अपॉन कितना है e पावर 4x इक्वल टू बराबर 0। तो एक जैसी सिम का टर्म को उनको कलेक्ट करते हैं, तो आपके पास बना e पावर कितना 4x और इसके साथ ये टर्म कलेक्ट हो जाएगी 1 अपॉन e पावर कितना 4x और उसके बाद माइनस कॉमन लीजिए तो आपके पास बना e पावर 2x प्लस 1 अपॉन e पावर कितना 2x और माइनस का 3 इक्वल टू बराबर 0। अच्छा अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा, तो ये इसको मैं लिख रहा हूँ e पावर कितना 2x का स्क्वायर और प्लस 1 अपॉन e पावर 2x का स्क्वायर और ये आपके पास एक वैल्यू आ गई और माइनस का e पावर 2x प्लस 1 अपॉन e पावर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अच्छा ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके पास किसके बराबर बन जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो आपके पास ए है ये और बी है आपका ये, तो वैल्यू डालते हैं इसकी, कितना बन जाएगा ई पावर 2x प्लस 1 अपॉन ई पावर 2x होल स्क्वायर और माइनस का आपका ये एज इट इज। अच्छा माइनस का कितना बनेगा 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी e पावर 2x इंटू 1 अपॉन ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 रह जाएगा और माइनस 2 इंटू कितना बनेगा माइनस का e पावर 2x और प्लस 1 अपॉन e पावर 2x और माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन आ चुकी है, ये दोनों फैक्टर जो आपके सेम बन चुके हैं, तो इसको पुट कर देते हैं। तो करिए क्या बन जाएगा हमारे पास, ये मैं ले रहा हूँ इसको पुट, e रेज टू पावर 2x इक्वल टू इसके बराबर y। तो हमारी ये इक्वेशन क्या बनी, y प्लस पूरा वैल्यू पुट करनी e पावर 2x और 1 अपॉन कितना e पावर 2x इसको y के बराबर पुट कर दीजिए, तो आपकी यही इक्वेशन क्या बन जाएगी y का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का आपका ये 3 था माइनस, अच्छा ये 2 y स्क्वायर और ये माइनस 2 और माइनस 3 माइनस 5 हो जाएगा और ये वैल्यू आपकी किसके बराबर आ गई, y और माइनस का 5 इक्वल टू 0। ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो चलिए इसकी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस प्लस हो जाएगा प्लस माइनस, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में कितना 2a। तो ये माइनस और माइनस प्लस हो गया और रूट ऑफ प्लस माइनस रूट ऑफ कितना बी स्क्वायर कितना बन गया 1 और प्लस 4ac कितना बन जाएगा 20 अपॉन में 2 और आपके पास होना 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कितना है प्लस माइनस और ये कितना बना 2। अच्छा यहाँ पे y क्या था, किस बराबर था एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो नेगेटिव वैल्यू डिस्कार्ड करना पड़ेगी, ठीक है। तो आपके पास होना 1 प्लस कितना रूट ऑफ 21 अपॉन 2 और एक्सपोनेंशियल फंक्शन e पावर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, जो मर्जी ले लीजिए आपका ये 0 से बड़ा रहेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ कौन सी वैल्यू ली आपने, पॉजिटिव वैल्यू, तो y की वैल्यू आपके पास बनी है बट y किसके बराबर था, चलिए रिसब्स्टिट्यूट करते हैं इसको, y था आपका e पावर 2x प्लस 1 अपॉन e पावर 2x इक्वल टू किसके बराबर है 1 प्लस और रूट ऑफ कितना है 21 अपॉन में कितना है 2। अब हमने चेक करना है कि नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस के कितने हैं, तो चलिए इसको दोबारा मैं
क्या कर रहा हूँ, इसको दोबारा मुझे सब्सटीट्यूशन करना पड़ जाएगी। मैं अब कर रहा हूँ e पावर 2x को z के बराबर ले लेते हैं। पहले मैंने पहले पूरे फैक्टर को दिया था, तो मेरे पास बन गया z प्लस कितना 1 अपॉन z और इक्वल टू बराबर 1 प्लस रूट ऑफ 21 अपॉन कितना 2। इसका लीजिए आप एलसीएम, तो ये बना जेड स्क्वायर और प्लस 1 अपॉन कितना जेड और इक्वल टू 1 प्लस रूट ऑफ कितना है 21 अपॉन 2। अब उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास वैल्यू आई जेड स्क्वायर प्लस 1 और ये वैल्यू बन जाएगी आपकी इक्वल टू में 1 प्लस रूट ऑफ 21 अपॉन में 2 इनटू जेड। तो ये मैं जेड यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, तो आपके पास इक्वेशन क्या बनी, दोबारा इसको इस साइड लाइए तो आपके पास ना जेड स्क्वायर माइनस का कितना 1 प्लस रूट ऑफ 21 अपॉन 2 और इनटू में जेड और प्लस 1 इक्वल टू 0। हमने चेक करने नंबर ऑफ रिएक्शन, तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहा हूँ मैं, बी स्क्वायर माइनस का कितना 4ac, बी आपका ये है, तो आपके पास बन जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा 1 प्लस रूट ऑफ 21 अपॉन 2 का स्क्वायर और माइनस कितना 4ac, तो 4 आपका ही 4 बन गया। तो चलिए इसको देखते हैं कितना आ रहा है, ये 1 का कितना बना 1 का स्क्वायर और ये 21 ए प्लस बी होल स्क्वायर और प्लस 2 रूट ऑफ 21 अपॉन में कितना 4 माइनस का कितना 4। अब एलसीएम आप ले भी लेते हो तो आपके पास बना कितना, ये बना 25 22 और यहाँ पे बना 2 रूट ऑफ 21 और ये बना 16 अपॉन में कितना 4। अब यहाँ से इसको कैंसिल करोगे तो आपके पास कितना बना, ये वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ी है, तो इसको मतलब कैसे सोल्यूट है इसके रियल सोल्यूशन, तो है कितने क्वाड्रेटिक फैक्टर था तो इसका मतलब 2, तो नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन कितने बने इसके 2। ये आपका क्वेश्चन आंसर, सो थैंक यू।